close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Hello friends, आज मैं हूँ त्रिवेंद्रम में. त्रिवेंद्रम में मैं हूँ. जगह का नाम है पुअर आइलैंड. और जहाँ पर मैं अभी रुका हूँ वो है क्लब महिंद्रा पुअर. उसका पूरा कंप्लीट व्यू भी हम आपको दिखाएंगे. सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्लब महिंद्रा पुअर रिजॉर्ट का कंप्लीट व्यू. ये है इसका एंट्रेंस एरिया और ये आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल. जैसे ही एंट्रेंस एरिया ख़त्म होता है तो आप स्विमिंग पूल देख पाएंगे और साथ में ही देख पाएंगे रिसेप्शन. रिसेप्शन के बिल्कुल ही सामने ये स्विमिंग पूल है. ये आप देख सकते हैं रिसेप्शन एरिया. और यहाँ पर आपको स्पाइसेस की शॉप्स भी मिल जाएंगी, वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं. और ये जो रिसेप्शन एरिया है ये बहुत ही बड़ा रिसेप्शन एरिया है. यहाँ पर आप घंटों आराम कर सकते हैं और स्विमिंग पूल का मज़ा भी ले सकते हैं. और ये जो रिसेप्शन एरिया है शायद ही आपने कहीं होटल या रिजॉर्ट में इतना बड़ा रिसेप्शन एरिया देखा होगा. तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए रिसेप्शन पे ही कितनी सुंदर ये पेंटिंग है. और अगर आप यहाँ पर हैप्पी हब में जाते हैं तो ये आप साइकिलिंग भी यहाँ पर ले सकते हैं और कंप्लीट जो रिजॉर्ट का व्यू साइकिलिंग पे देख सकते हैं और एडवेंचर के लिए भी जा सकते हैं. और ये आप देख सकते हैं, ये है रोड मैप कह सकते हैं या फिर साइन बोर्ड कह सकते हैं. और ये हैं इनकी हट्स या कॉटेजेस वगैरह. मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो 40 होटल यूनिट रूम है और जो 15 स्टूडियो रूम है और इसके अलावा ये कॉटेजेस हैं. तो आप ये कॉटेजेस भी यहाँ पर ले सकते हैं और स्टूडियो रूम भी ले सकते हैं और इसके अलावा जो होटल यूनिट भी ले सकते हैं. ये देखिए कंप्लीट व्यू स्विमिंग पूल का. और इसके बिल्कुल सामने वो है रिसेप्शन एरिया. काफ़ी बड़ा ये स्विमिंग पूल है, हमने काफ़ी इंजॉय किया था इसमें. तो अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी साइड जो कि गार्डन एरिया है. गार्डन एरिया यहाँ पर स्पाइसेस गार्डन एरिया भी है, हर्बल भी है. और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मुर्गा पालन भी क्लब महिंद्रा ने किया हुआ है, ये भी आप यहीं पर देख पाएंगे. अब मैं लेके चलता हूँ आपको बैक वाटर साइड. बैक वाटर साइड अगर आप जाएंगे तो ये यहाँ आपको कयाकिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बोटिंग भी प्रोवाइड करते हैं. तो आप यहाँ से बोटिंग वगैरह कयाकिंग वगैरह कर सकते हैं. इनकी खुद की कोई बोट वगैरह नहीं है, कयाकिंग के लिए कोई बोट नहीं है. तो ये बाहर से ही हायर करते हैं और वो आपके लिए अरेंज करवा देते हैं. ये आप देख सकते हैं बैकवाटर. क्योंकि ये क्लब महिंद्रा पुअर है तो ये पुअर आइलैंड पे है और ये आइलैंड का आप नज़ारा देख सकते हैं बैकवाटर, जो आपको बहुत ही ज़्यादा लुभाने वाला है. बिल्कुल ही ये इस रिजॉर्ट से अटैच है जो आपका मन मोह लेगा. बहुत ही सुंदर ये रिजॉर्ट है और यहाँ आपका घंटों बैठने का मन करेगा और ये बैकवाटर देखने का मन करेगा इस व्यू के साथ. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइकिलिंग भी की जा रही है क्लब महिंद्रा हैप्पी हब से, ये आपको साइकिल मिल जाती है. और ये व्यू जो हर कोई बंदा अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर देखना चाहता है कि साथ में ये गार्डन एरिया और साथ में ही बैकवाटर. तो आप भी इस व्यू का नज़ारा ले सकते हैं अगर आप क्लब महिंद्रा पुअर रिजॉर्ट में जाते हैं. तो अब मैं आपको कुछ व्यू दिखाऊँगा जो आपको बहुत ही लुभाने वाली. ये देखिए, अब यहाँ पर आप नेचर वॉक भी कर सकते हैं. यहाँ पर आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे वो बहुत ही कम रहने वाला है. और अगर आप यहाँ से थक भी गए तो भी आपका जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए सीटिंग एरिया भी इन्होंने दिया हुआ है और इसके अलावा झूलने के लिए झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं जो आप सवेरे शाम यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं. मैं तो आपको ये एडवाइज़ करूँगा कि आप सवेरे भी और शाम को भी यहाँ पर एक या दो घंटा जरूर निकालें, वो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंदित करने वाला लगने वाला है. ये आप देख सकते हैं यहाँ के झूलों का नज़ारा और पीछे बैक साइड बैकवाटर का नज़ारा. और ये जो गार्डन एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हर्बल गार्डन भी है और ये गार्डन एरिया भी है. ये भी बहुत ही खुले डिल एरिया में है. मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ये क्लब महिंद्रा पुअर का रिजॉर्ट है ये बहुत ही लंबे चौड़े एरिए में है, बहुत ही खुले डुल्ले एरिए में है. आपको इसका 2 से 3 साइड आपको बैकवाटर देखने को मिल जाएगा और जो इसकी फ्रंट साइड है वो एंट्रेंस साइड आपको देखने को मिल जाएगी. तो आप यहाँ पर आउटसाइड एक्टिविटी भी कर सकते हैं. आउटसाइड जो गेम्स है क्रिकेट वगैरह या फिर बॉलिंग वगैरह, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं. और साथ में ये देख सकते हैं ये है
चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटे छोटे झूले। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैफेटेरिया या फिर कह सकते हैं रेस्टोरेंट एरिया। ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया जो कि बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैनेज किया हुआ है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखता है। और सबसे मेन बात जो कि रेस्टोरेंट की होती है वो खाने की है, तो खाना भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा और डेलीशियस मिलने वाला है। हाँ, ये चीज़ है क्लब महिंद्रा में आपको जो फूड है वो थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन जो ये फूड है बहुत ही डेलीशियस है। अब मैं आपको रेस्टोरेंट एरिया से लेके चलता हूँ हैप्पी हब में। हैप्पी हब जो हर क्लब महिंद्रा रिजोर्ट में होता है वो हमें क्लब महिंद्रा पूर में भी देखने को मिला। और ये जो हैप्पी हब था ये बहुत ही खुला डुल्ला और इन्जॉय करने वाला था। यहाँ पर आप ऑनलाइन गेमिंग वगैरह भी देख सकते हैं और ड्राइंग वगैरह और भी काफ़ी कुछ एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटीज़ या इंडोर गेम्स यहाँ पे खेल सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं टेबल टेनिस भी आप यहाँ पर खेल सकते हैं, इसके अलावा आप पूल भी खेल सकते हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे इंडोर गेम आप यहाँ पर खेल सकते हैं। ये एरिया इतना बड़ा है कि अगर 8 से 10 फैमिली अगर इकट्ठी भी हैप्पी हब में आती हैं तो भी वो मैनेज हो जाता है और सबके लिए खेलने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। टेडी बियर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये देख सकते हैं कैरम बोर्ड की जो टेबल और चेयर हैं। और इसके अलावा भी ये गेमिंग वगैरह जो यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है ये तो सिर्फ इंडोर गेम्स हैं, उसके अलावा मैंने आपको दिखाया था कि आउटडोर गेम भी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये जो रिजोर्ट है ये बहुत ही सुंदर है और काबिले तारीफ है। लेकिन अब मैं लेके चलता हूँ रूम साइड, जो इनका होटल यूनिट रूम है। होटल यूनिट रूम जो वो बहुत ही इनका बेकार और ना सर्विस प्रोवाइड करने वाला था। तो अब मैं आपको उस रूम का व्यू दिखा देता हूँ और देखिए उस रूम का व्यू क्या रहता है। आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्लब महिंद्रा ऐसा भी रूम देता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको क्लब महिंद्रा हूवर का होटल यूनिट रूम। ये है 1069 होटल यूनिट रूम। ये आप देख सकते हैं बाहर से ही, ये इसकी एंट्रेंस है। तो ये देखिए, अब जो मेन चीज है, एक बार मैं आपको यहां से सो दैट थोड़ा लाइट आए, ये देखिए आप सबसे पहले इस साइड देखेंगे तो ये है चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए कैटल वगैरह ये रखा है उन्होंने। और ये जो दीवार की कोई भी कहीं पे भी किसी भी तरीके का आपको जो वॉलपेपर ना ही कोई यहाँ पे स्टिकर कुछ नहीं दिखेगा आपको। होटल यूनिट रूम ये क्लब महिंद्रा का, जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक बार नीचे टाइलें की तरफ देखें, जो टाइलें उन्होंने लगाई हुई हैं इससे बहुत ज़्यादा एडवांस आज के टाइम पे गांव में भी आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर क्लब महिंद्रा से ये आप देख सकते हैं जिम का डाइनिंग टेबल, इस पर ही डाइनिंग टेबल कहते हैं, सामान रखने के लिए वो टेबल है। ये साइड टेबल आप देख सकते, सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा जो ठीक लगा है वो बेड है, डबल बेड है जो वो थोड़ा सा ठीक लगा, बाकी फैन देखेंगे वो भी कुछ नहीं है। अगर एक चीज ये यहाँ देखेंगे, ये शायद मुझे लगता है कि ये ओवरटेक किया इन्होंने कहीं से, ये यहाँ पर अभी भी ये लोहे का बैंड वगैरह जो पुराने टाइम में लगा होता था, तो ये है। और आगे चल के देखें चलो, LED कोई नहीं है, AC इनका बिल्कुल नॉन वर्किंग है। अभी 2 दिन हमें यहाँ पे रुकते हुए, लेकिन नॉन वर्किंग AC है, बिल्कुल ना बराबर हवा आती है। और ये आप देखेंगे ये कपबोर्ड आप देख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल ही मेरे हिसाब से ये कपबोर्ड कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 साल पुरानी मुझे लग रही है जो इसके हालात हैं। और ये देखेंगे एक तो इसका डोर खुलता ही है, एक दूसरा फ्रिज है, फ्रिज भी बिल्कुल ही लो क्वालिटी जिसको कहते हैं, इसमें अगर 2 दिन भी बंदा कोई भी चीज़ रखेगा तो वो ठंडी होने वाली है। हमने 4-4 घंटे लगातार शाम को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख के देखिए तो ना मात्र का बिल्कुल फ्रिज है। ये कपबोर्ड है, ये क्लब महिंद्रा आपको ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये कपबोर्ड आप देख लें,
अभी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये ऐसे ऐसे भी क्लब इंद्रा जो आपको सर्विस देता है। अब आपको मैं वॉशरूम दिखाऊंगा। वॉशरूम भी बिल्कुल ही लो क्वालिटी वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं। कोई ड्रायर नहीं है, कोई किसी भी तरीके का, यहाँ पर सिंपल जो बेसिक एमिनिटी, बेसिक टू बेसिक सिर्फ वो चीज़ है। नहीं तो क्लब महिंद्रा में क्या कहता है कि क्लब महिंद्रा आपको बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस कराएगा, बहुत ही एडवांस फैसिलिटी, एडवांस जो सर्विसेज है वो देगा। लेकिन आप ये कंप्लीट एक बार रूम ये देखिए, ये है क्लब महिंद्रा की एडवांस फैसिलिटीज, एडवांस सर्विसेज। तो बिल्कुल भी ये जो क्लब महिंद्रा पूर का जो होटल यूनिट है, ये तो बिल्कुल ही सस्पेंड होने जैसे क्लब महिंद्रा पूर नाम रखा, तो ये पूरी क्वालिटी का है। रियलिटी में आपको यहाँ पर आकर बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगने वाला है। तो अगर आप क्लब महिंद्रा पूर में आते तो होटल यूनिट तो बिल्कुल भी ना ले। बाकी की कोटेज वगैरह, बाकी की जो स्टूडियो रूम अगर है तो वो शायद हो सकता है कि बेटर है, पर मुझे लगता नहीं है। जैसा मैं अभी यहाँ घूम के, मुझे लगता नहीं कि कोई बेटर है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर अगर आएँ तो आप और भी होटल वगैरह आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो शायद मुझे नहीं लगेगा कि आपको ये वर्थ लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको दिखाया क्लब महिंद्रा पूर का ये होटल यूनिट रूम। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेज, अलग अलग ट्रैवल प्लान, अलग अलग जो होटल्स वो हम आपको दिखाते रहते हैं। तब तक तो इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।